हेलो व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सुजुकी एस्प्रेसो गाड़ी का यहां पर ये पूरा क्लाइमेट कंट्रोल पैनल। तो ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या काम करता है, ये सब कुछ हम दिखाएंगे आपको। ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है ये VXI प्लस वेरिएंट है जो कि AMT गियरबॉक्स के साथ आती है। तो ये टॉप एंड वेरिएंट की गाड़ी है। तो दोस्तों क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल जो है इट्स क्वाइट सिंपल। ये यहाँ पर आपको ब्लोअर के ऑप्शन दिए गए हैं। ये हाल फिलहाल केवल अभी फेस के ऊपर हवा ब्लो करने के लिए यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर करेंगे तो फेस प्लस फुट पे आएगा, ये शिफ्ट करेंगे तो केवल फुट पे आएगा, ये शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर केवल फुट एंड दिस, ये जो आपका डीफॉगर है उसके ऊपर जाएगा। और ये जो चीज़ है वो आपको केवल इंटरनल सर्कुलेशन के साथ इस्तेमाल करनी है, और यहाँ पर जाएंगे तो एक्सटर्नल पर इसको लगा देना है। तो ये बाहर की हवा लाने के लिए लगाया जाता है, और ये वाला जो है वो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर आपको जो है वो फ़ैन स्पीड के ऑप्शन मिलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 तक ये जा सकता है। तो इसको पहली बात तो हम नॉर्मल पर लेके आते हैं, और अब इसके एसी को चालू करते हैं। तो एसी को चालू करने के लिए आपको सिंपली इसको प्रेस करना है, और ये अभी फर्स्ट पे है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर आपको कूलिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो ये अभी मैक्सिमम कूलिंग के ऊपर है। आपको अगर कूलिंग उतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ब्लोअर का स्पीड कम कर देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ठंडक कम हो जाएगी, लेकिन ठंडक कम नहीं होती है उससे। अगर आपको ठंडी कम करनी है तो यहाँ पर इसको आपको घुमाना पड़ेगा, तो ये अभी कूलिंग कम करेगा। और आप अगर इसको पूरा ही यहाँ तक घुमा देंगे तो ये हीटर ऑप्शन पर चला जाएगा, यानी कि अभी केवल गर्म हवा यहाँ पर गाड़ी के अंदर ब्लो होगी, लेकिन इसका हमारे कंट्री में उतना ज़्यादा यूज़ है नहीं। खैर, तो इसको हम वापस से जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे लाके छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो आपको 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट मिलता है। इसके अंदर आप जो भी कोई चाहे वो एक्सेसरीज लगा करके चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए USB और ऑक्स का पोर्ट दिया गया है, तो अभी हाल फिलहाल मैंने एक एडिशनल यहाँ पर लगा रखा है पेन ड्राइव। तो यहाँ पर USB का पोर्ट है, यहाँ पर ऑक्स के लिए पोर्ट है, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पावर विंडो के स्विचेस दिए गए हैं फ्रंट 2 के लिए, और ये बीच में जो है वो आपको हजार्ड लैम्प के स्विच दिए गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।